नमस्कार। तो सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो 21 तारीख को, 21 अप्रैल को पापा हमारा एटीएम लेके, लाइक मम्मी के अकाउंट का एटीएम लेके पैसे निकालने जाते हैं। और एक्चुअली हमने कुछ सेविंग हमारी थी, तो उन सेविंग के थ्रू हमने अपना एक छोटा सा घर, एक हमने किस्तों पे निकाला है, किस्तों पे लिया है। उसकी कुछ थोड़ी सी पेमेंट रह गई थी, जो लोन के थ्रू आनी थी, वो आ गई थी 2 लाख रुपये। हमें वो निकाल कर अपने डीलर को देनी थी। अब यहाँ पर क्या होता है, पापा एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं। अब वहाँ 2 लड़के ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थे। अब दोनों में से एक ने मास्क पहना हुआ था, एक में नहीं पहना हुआ था। उन्होंने क्या करा, फर्स्ट टाइम पापा से गलती से गलत एटीएम पिन चला गया। पहली बार गलती हो गई। सेकेंड टाइम उन लड़कों ने बहाना करके पापा को हेल्प करने का, लाइक बहाना करके आगे आ गए एंड उन्होंने पिन देख लिया, क्योंकि सेकंड टाइम दोबारा पेमेंट करी पापा ने। अब वो पेमेंट ठीक हो गई, अब उन्हें पिन पता चल चुका था। सेकंड टाइम में उन्होंने बहाना मार के बोला पापा को कि आप ऐसा करिए अंकल जी, पैसे गिन लीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, कम ज़्यादा निकल जाए। तो पापा पैसे गिनने लग गए। तो उन लोगों ने क्या करा, वो कार्ड को एक्सचेंज करा अपने कार्ड से, हमारे कार्ड से जो ऑलरेडी मशीन में था। उस मशीन में से 2 लड़के थे, 2 में से 1 ने वो कार्ड एक्सचेंज कर लिया, अपना कार्ड अंदर लगा दिया और हमारा कार्ड अपने पास रख लिया। अब 9:48 पे या सुबह 9:48 या 9:46 की पेमेंट है, जो शायद 46 या 48 में से है। तो जैसे ही पापा बाहर निकलते हैं करके, उसके अगले 3 मिनट के अंदर 3 पेमेंट होती हैं, एक 10,000 की, एक 5,000 की, एक 49,000 की। 65 से 66 हज़ार रुपये की पेमेंट एक साथ होती है हमारे कार्ड से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसा था हमारा। और हमको इतनी बड़ी फैमिली से नहीं है कि हमारे लिए छोटी मोटी बात हो, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है 65 से 66 हज़ार रुपये। और ऊपर से चीज़ें मतलब और बिगड़ने लगी। अब क्या होता है, हम कोशिश करते हैं अब कैसे इसको रिट्रीव किया जाए, कैसे वापस लिया जाए पैसे को। यहाँ आती है प्रॉब्लम किस चीज़ की, अब हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस की। बहुत ही कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हमने पहले कंप्लेंट करनी चाहिए, तो आते हैं। पहला इनका होता है कि इसमें FIR नहीं लिखते। हमने बोला ठीक है, आप हमें नहीं बताता, हमें नॉलेज नहीं है कि FIR नहीं लिखते हैं। एक दो दिन हो गए, हमें दिक्कत होने लगी कि यार पैसा कैसे आएगा, हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अब पापा को दिक्कत, हॉस्पिटलाइज किया हमने पापा को, दिक्कत होने लग गई। तो उसके बाद जब दिक्कतें बढ़ी, तो हमने फिर वापस से 100 नंबर पे कॉल किया। हमने उस इंसान को कॉल नहीं किया जो आया था, हमने दूसरे को कॉल किया, 100 नंबर पे कॉल किया। 100 नंबर वालों से हमने पूछा डायरेक्टली, क्या हमारा जो फ्रॉड हुआ है इसमें हम अपनी FIR कर सकते हैं। उन्होंने बोला कर सकते हैं। और उसके बाद हमने फिर जो हमारे जो पहले आए थे इंस्पेक्टर, उनको हमने बोला कि FIR हमें करनी है। कहते नहीं नहीं FIR से कुछ नहीं होगा, FIR से कुछ नहीं है, बस ऐसे काम हो जाएगा तुम्हारा। ये 1 महीने पहले की बात है, कुछ नहीं हुआ। हमारी सिर्फ इतना था कि हमें ATM का फुटेज निकलवा के दे दीजिए, दैट्स ऑल। आगे का जो करना है हमें खुद करना है, क्योंकि उस ATM में गार्ड भी नहीं था। और रूल के अकॉर्डिंग गार्ड होना ज़रूरी है हर ATM के अंदर, और ये एक्सिस बैंक का ATM था। अब उसमें कोई भी गार्ड नहीं था, और जो लड़के थे, दोनों में से एक ने मास्क पहना हुआ था, एक ने नहीं पहना हुआ था। तो पापा ने ये बताया था कि एक ने मास्क पहना, एक ने नहीं पहना था। अब बीतता क्या समय, हमें लाइक ऐसे रोज़ बोलते गए कि नहीं हो जाएगा करके। आज 17 मई है, 1 महीना होने में 2 या 3 दिन बाकी हैं। समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करें, कहाँ से पैसा अरेंज करें, कहाँ से कैसे करें। इतनी बड़ी पेमेंट हमारे लिए, इतना बड़ा अमाउंट है हमारे लिए, छोटा मोटा अमाउंट हमारे लिए नहीं है। दूसरी चीज़, अब हम थोड़ा सा उससे दिक्कत हो गई कि हम लोग उनसे बात नहीं कर रहे थे इंस्पेक्टर से। हाँ, सेकेंड थिंग, हमें साइबर क्राइम, हमने उस दिन ही कंप्लेंट कर दी थी, जिस दिन हमारा प्रॉब्लम हुई थी उस दिन ही ऑनलाइन कंप्लेंट करी थी, जिसके हमारे पास 2-3 दिन बाद एक मैसेज आया था कि आपकी कंप्लेंट सबमिट हो चुकी है, कंप्लेंट का नंबर मेरे पास है, और ये आपका नंबर उन्होंने दिया कि इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपना जो भी आपका जो केस चल रहा है उसके बारे में जान सकते हैं कि कहां तक पहुंचा। नंबर है 8178285227। ये नंबर पिछले 1 महीने से मैं कितनी बार डायल कर चुका हूं, या तो स्विच ऑफ मिलता है, मैक्सिमम टाइम बैल जाती है, कोई उठाता नहीं है। किस बात के ये लोग काम कर रहे हैं, तो कहाँ का ये लोग, कितने बड़े लोग हैं ये लोग, साइबर क्राइम वाले या कोई भी दिल्ली पुलिस जो है, मतलब ये लोग बिल्कुल भी सपोर्टिंग इनकी तरफ से नहीं हुआ। साइबर क्राइम ने तो बिल्कुल हार्ड, साइबर क्राइम से पूछो तो थाने बताएगा, थाने से पूछो तो साइबर क्राइम का केस है। मतलब कि क्या क्या करना चाह रहे हैं।
फिर अब आती है हमारी बात SHO साहब की। SHO साहब से मिलते हैं, उनको ऑलरेडी नॉलेज है कि ऐसा हमारे एरिया में हो रहा है, ऐसा एक और है जिनके साथ हुआ, जिनके 120,000 रुपये निकाले गए हैं ऐसी, और उनको ऑलरेडी नॉलेज है इस चीज़ की। हमने इतना बोला था कि सर हमारा ना हम ATM में गए, तो उन्होंने सामने से इस बात को सेंटेंस को पूरा कर दिया कि अरे गए थे वहाँ, कार्ड एक्सचेंज हुआ था। तो हमने बोला हाँ हाँ, तो इसका मतलब उन्हें ऑलरेडी नॉलेज थी इस चीज़ की कि वहाँ पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो क्यों हो रही हैं। अभी इनके अगर इनके ही कार्ड से पैसा निकल जाए तो ये लोग 2 दिन में पैसा पता कर लेंगे कहाँ से कहाँ गया, कहाँ से कैसे आया। लेकिन हम क्या हम पागल हैं क्या, हम लोग जो जनता है वो पागल है क्या? हम लोगों का 1 महीने से पैसा नहीं आया है। हाँ, पंजाब नेशनल बैंक में हमने अपना एप्लीकेशन डाला था, तो उन लोगों ने अमाउंट हमारे अकाउंट में भेज दिया जो अभी तक फ्रीज है, हमें अभी तक नहीं मिला क्योंकि कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। तो कार्रवाई किस बात की कार्रवाई भाई, एक फुटेज निकाल दो, उस फुटेज से पता चल जाएगा। पुलिस वाले बोलते हैं, साइबर क्राइम वाले का ऊपर थोप देते हैं, साइबर क्राइम वाले पुलिस वाले थोप देते हैं, हम किसके पास जाएं? SHO साहब कहते हैं अरे अब क्या कर सकते हैं, अब देखो फुटेज मिलती है तो ठीक है। हाँ मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उसकी, उनकी जो हमारे इंस्पेक्टर थे, तो उन्होंने बोला कि देखो हम तो फुटेज निकालेंगे। अब फोटो पता नहीं कब कब का इन्होंने बोला फुटेज निकालेंगे, अगर आपकी गलती हुई तो पैसे नहीं मिलेंगे, गलती नहीं हुई तो मिल जाएंगे। मेरा सिंपल था, अगर फुटेज मिलती है वो लड़के आपको दिखते हैं क्या आप पकड़ोगे? 3 बार मैंने पूछा, 2 से 3 बार मैंने पूछा है। किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए तो मुझे कमेंट में डालना, मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, प्लीज़ हेल्प करिए। एंड हाँ, उन्होंने बोला, मैंने बोला तो 2 से 3 बार पूछा मैंने उनसे कि लड़के अगर पकड़े जाएँ, सॉरी लड़के अगर दिखते हैं तो आप क्या पकड़ोगे? नहीं, मतलब अरे उनके क्या अगर पैसे गलती तुम्हारी है तो ये बातों को लपेटते गए। उन्होंने ये नहीं बोला कि वो लड़कों को पकड़ेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। सेकंड थिंग, अब आते हैं कि कोई भी काम नहीं करना चाह रहा है, हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है, अगर कोई यहाँ पर ऐसा है जो हमें लीगली इसको कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, या किसी कोई भी सजेशन दे सकता है, तो प्लीज़ करिए, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे साथ। और ये हमारा छोटा मोटा अमाउंट हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि हमने बहुत मुश्किल से सेविंग करके, मैं खुद लाइक हम यूट्यूब करते हैं या फिर मैं जॉब भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, सेव हमारे घर में सब ऐसे ही हैं। सो हम काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं और पैसा जमा करते हैं, और ये ऐसे कुछ लोग जो ये गलत धंधों का इस्तेमाल करके ये लोग काम कर रहे हैं। और आई एम श्योर कि बोलना नहीं चाहिए, बट हर किसी को हर किसी का रिकॉर्ड पता है, पुलिस वाले हर किसी के बारे में जानते हैं। अगर SHO साहब को ये पता था कि वहाँ पे कार्ड की प्रॉब्लम हो रही है, उन लोगों ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया अभी तक, क्यों ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ रही है हमारे एरिया में? क्योंकि उन्होंने हमारा सेंटेंस पूरा किया। मुझे इसलिए पूरा शक है क्योंकि हमने जब बोला कि कार्ड हमारा सर हमारे मेरे पापा अंदर गए कार्ड के लिए, उन्होंने खुद सेंटेंस पूरा किया, कार्ड एक्सचेंज हो गया, इट मीन्स वो जानते थे। सो प्रॉब्लम यही है, अगर आप जानते हो तो क्यों हो रहा है? पता नहीं कैसे इसको आपको आगे बताऊं, बट 1 महीना होने वाला है, एंड जहाँ तक मुझे मैंने सुना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि बैंक के पास भी एक या 2 महीने की फुटेज होती है, तो मुझे 1 महीने के अंदर अंदर फुटेज नहीं मिलेगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ बैंक की भी गलती है, क्योंकि बैंक के ATM में वहाँ पर कोई भी गार्ड मौजूद नहीं था। और आई थिंक मुझे लगता है ऐसा वहाँ का कैमरा भी नहीं चलता होगा, क्योंकि वो ATM बहुत पुराना है, उसमें कभी भी गार्ड नहीं रहा। और उन लड़कों ने हमारा नहीं, साथ में एक और हैं उनके 120,000 रुपये और निकाले हैं, कैसे चलेगा सर? और दिल्ली पुलिस कोई हेल्प नहीं कर रही है, क्लियरली बोलता हूँ, साइबर क्राइम कोई हेल्प नहीं कर रहा है, ये सब ऐसे ही बैठे हैं, सब इन्हें सिंपल कोई 1 महीना हो चुका है, एक फुटेज निकलवानी है हमें, सिर्फ उसके लिए इन्होंने 1 महीना निकाल दिया है, FIR नहीं लिख रहे हैं। मुझे एक बार बताएं, एक बार कोई किसी को नॉलेज है इस चीज़ की तो मुझे बताएं कि इस केस में जो केस हुआ है इसमें FIR हम करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं, क्योंकि मैंने 100 नंबर पर पूछा कि FIR होगी या नहीं होगी, वो बोलते हैं हो सकती है और आपको करानी पड़ेगी, क्योंकि बिना FIR के आपको फुटेज नहीं मिलेगी, अब फुटेज आपको बैंक नहीं देगा। ये लोग FIR क्यों नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। प्लीज़ शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए इस वीडियो को। एंड हमारा ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, मैं बहुत लाइक हम लोग बहुत कर्जे वर्जे के नीचे आ जाएंगे, सो प्लीज़ एक बार शेयर करिए जितना हो सके ज़्यादा लोगों तक। और कोई अगर हमें ऐसे हेल्प कर सके कि हाँ सजेशन, हमें कोई सजेशन दे सके कि हमें क्या क्या करना चाहिए, अगला स्टेप हमें क्या लेना चाहिए, सो सजेस्ट करिए प्लीज़। एंड बस हमें क्योंकि इतने अभी हर कोई काम करने वाला है, इतना टाइम हमारे पास नहीं कि हम रोज थाने जाके बैठ सकें, और हम फिर भी गए हैं, तो प्रॉब्लम चीज़ें बढ़ रही हैं, अब चीज़ें ना कम नहीं हो रही हैं। तो प्लीज़ आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ हेल्प करें, प्लीज़ शेयर करें वीडियो को जितना हो सके, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है, 1 महीने से देख रहे हैं, और एक्चुअली
हम सोच रहे थे कि वीडियो बनाने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन इन लोगों का मतलब ऐसे ऐसे ना कैजुअली बैठते हैं ये लोग जी। अगर किसी भी पुलिस वाले से बात कर लो क्या कैजुअली, अरे हो जाएगा, अरे बहुत होते हैं, अरे आपके होते तो हम देखते ना, आपके होते तो क्या होता, आपके लिए बहुत छोटी बात होगी, हमारे लिए नहीं है। सिंपली तो बहुत प्रॉब्लम है। साइबर क्राइम वालों का नंबर मैंने आपको बताया है अभी, एंड वो नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उस नंबर पे प्लीज़ कॉल कीजिए। और साइबर क्राइम, एक्सिस बैंक, प्लीज़ हेल्प करिए साइबर क्राइम, मतलब ये लोग एक दूसरे पे केस थोप रहे हैं, मत थोपिए, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ हेल्प करिए। एंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, एंड दिल्ली पुलिस से तो क्या क्या ही बोलें, ये लोग तो अलग ही होते हैं। तो प्लीज़ दिल्ली पुलिस, अगर कोई बड़े अधिकारी देख रहे हैं, प्लीज़ 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 हेल्प करिए, क्योंकि हमें कोई भी हेल्प नहीं मिल रही है, किसी भी तरह की FIR तक नहीं हो रही है। आप हेल्प तो छोड़िए, एक FIR तक नहीं हो रही है। तो प्लीज़ हेल्प करिए जितना हो सके, एंड शेयर करिए जितना हो सके वीडियो को, प्लीज़ 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 शेयर करिए, क्योंकि हमारा पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुश्किल से जमा किया पैसा है, हमें वापस चाहिए। थैंक यू सो मच।